जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे राम राम राम
कीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया श्लोके भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानु सुते देवी नमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे आराध्य भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम
प्रमाणममलम प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रार्दरानापर। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित जो हमारे वरिष्ठ भक्तगण है और सभी भक्त जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे यात्रा लीडर हिज ग्रेस बहुरूप नरसिम्हा प्रभु, हिज ग्रेस तकारांग प्रभु, हिज ग्रेस रघु प्रभु जो कि बहुत ही सीनियर भक्त है, और मेरी मम्मी यहाँ पर बैठी है, और सभी भक्तों का मैं आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ उसके। और फिर हम भगवान की सेवा में सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। सो मैं सोच रहा था, नहीं बहुत कर दिया थोड़ा सा। तो सिद्ध गौरांग प्रभु ने मुझे कल नहीं और परसों कहा ये सेवा के लिए। तो मैं एक्चुअली दुबई में था इस ग्रेस गौरांग प्रभु के साथ में, बहुत ज्यादा समय मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं सोच रहा था, तो मैं वैष्णव कैलेंडर देखा, मैंने कहा देखते हैं कोई तिथि आगे पीछे आ रही है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा भक्तों के लिए। तो कई बार जो उत्सव चला गया है उसके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो आने वाला है तो मैं सोच रहा था कौन सा उत्सव आ रहा है। तो मैंने देखा वैष्णव कैलेंडर में कि श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस आ रहा है 6 अप्रैल को। थोड़ा समय है, लेकिन मैंने कहा एटलीस्ट हमारा मूड बनेगा। उसके बाद में रामनवमी भी आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि राम कथा पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त अभी आगे भी कथा करते रहेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारे भक्तों को उनके बारे में डिटेल में पता नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया है कि रामानुजाचार्य के बारे में, तो मैं सोचा थोड़ा उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा जितना भी हमारे पास में समय है, कोशिश करते हैं हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक सेकंड, लेट मी जस्ट सेट अप। यस, सो तो मैं पहले थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में क्या क्या जानते हैं, थोड़ा क्विकली जस्ट 2-3 मिनट्स वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, यस, व्हाट एल्स? लक्ष्मण, वेरी नाइस। यस, व्हाट एल्स? बांग्लादेश के भक्त कुछ बोली, आपको क्या पता है? नेपाल से, साउथ इंडिया वाले सब जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मण बताया वो, वेरी नाइस। और क्या? दो से ज्यादा किया है, बहुत सारे ग्रंथ रचित किए उन्होंने, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ उनका योगदान है वो है श्री भाष्य। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हम चर्चा करेंगे अगर टाइम मिला तो। और क्या? वेरी नाइस। ही हिमसेल्फ इज देयर लाइव, उनका पूरा बॉडी अभी तक है। कितने साल हो गए? टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 1005 ईयर्स, 1005 साल हुए उनको अपियर होके। और क्या? ठीक है, चलो मैं आपको बताते रहता हूँ। तो हाँ जी,
श्री परमबतु, वेरी नाइस। सो जन्म स्थान के बारे में उनका बताते हैं, श्री परमबतु। सो श्री संप्रदाय के महान आचार्य, तो कई बार एक्चुअली श्री संप्रदाय लक्ष्मी से शुरुआत हुई है। तो भगवान गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर श्रेयो विदु स काले न महता योगा नष्ट परम तप इमं विवस्वते योगम। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है भगवान ने बेसिकली चार वैष्णव संप्रदाय में दिया। सो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इनके चार आचार्य हुए हैं। किसी को नाम पता है श्री संप्रदाय का? रामानुज आचार्य पता चल गया। दूसरा कौन सा? कुमार कुमार संप्रदाय, हाँ देन शंकराचार्य पर रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, और ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। हम लोग कौन से संप्रदाय में आते हैं? हाँ, उसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्यों कहते हैं? मध्व संप्रदाय कहना। हाँ, गौड़िया बिकॉज़ वी हैव कम फ्रॉम गौड़ देश और गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उसमें फिर हुए इसलिए उनको गौड़ीय। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा रूट क्या है। रूट कॉज एनालिसिस लोग करते हैं ना, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ से है। तो ब्रह्मा जी, भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद मुनि को। नारद मुनि ने व्यास देव को। व्यास देव ने और मध्वाचार्य। मध्वाचार्य से फिर वो नीचे आता हुआ, इट केम टू माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से षड गोस्वामी गण, और उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद नीचे भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब गौर किशोर, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद, और अभी हम मतलब गुरु महाराज के थ्रू जितने भी वैष्णव गुरु वृंद है अभी इस्कॉन में, तो इस्कॉन में हम आते हैं। तो समझ में आ गया, ये हमारा रूट है कहाँ पे हम लोग, वेयर वी आर। और पद्म पुराण में कहा गया कि ये चार संप्रदाय बोनाफाइड संप्रदाय है। इसमें से कोई भी एक संप्रदाय के अंदर भक्त अगर भक्ति करता है तो वो भगवत धाम जरूर जाएगा। सो ओरिजिनली स्टार्टेड बाय लक्ष्मी देवी, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रोमिनेंट महान आचार्य हुए। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो समय चला जाएगा। मैंने एक इंग्लिश में क्लास दिया है, अगर किसी को चाहिए तो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप सुन लेना कि कैसे ये सारा का सारा जो गणित है ये कहाँ से आता है। तो सबसे पहले ऐसे है कि वेद जो है, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वे रहम इव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, दैट मैं सभी भक्तों, मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है, सभी वेदों में जानने लायक मैं ही हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों का जानने वाला हूँ। दैट्स व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता। तो वेद जो है ज्ञान, वो वेदों से आता है और वेदों में हर प्रकार का ज्ञान है। आपको अगर अपना बॉडी अच्छा बनाना है, जो कि आजकल ये लहर चल रही है हमारी सब जगह पे, तो एवरीवन वांट्स टू रिमेन फिट एंड बी हेल्दी, बहुत सारा मूवमेंट चल रहा है तो उसके अंदर, तो आपको अगर शरीर के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो वेद के अंदर एक और छोटा सा सेक्शन है उसका, वेद का, उसको कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। म्यूजिक किसी को सीखना है अच्छा, उसमें महारती हासिल करनी है, तो वेदों में ही कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद के अंदर म्यूजिक के बारे में, तो ऐसे सब कुछ वेदों में वर्णित है। और इसीलिए जब व्यासदेव ने इतने सारे वेद लिख दिए, चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास, श्रुति, स्मृति इत्यादि, तो नारद मुनि जब वहां पे पधारते हैं और इतना सब कुछ लिखने के बाद भी व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, ही वॉज डिस्पोंडेंट एंड ही वॉज थिंकिंग दैट वॉट इज द रूट कॉज ऑफ माई डिस्पोंडेंसी। और उस समय नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि पहले तारीफ करते हैं और उसको कहते हैं, अरे कितना कुछ लिख दिया आपने, कोई सोच नहीं सकता है, इतना सारी आपने रचना कर दी है, और बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन एक सच्चा शिष्य जो होता है वो खाली ग्लोरिफिकेशन से प्रसन्न नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मूल रूप से बताओ कि मेरी गलती किधर है, कि वाई आई एम नॉट हैप्पी। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड ही सेड वाई आई एम नॉट हैप्पी, वो मुझे बताओ।
तन मूलम अगाध बोधम, वो कहते हैं कि मुझे मूल रूप से बताओ कि मैंने कहाँ पे लफड़ा किया है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है मुझसे। और तब नारद मुनि कहते हैं कि बाबा वेदों में आपने इतना सब कुछ रचना कर दिया, इतना सब कुछ लिख दिया केवल ये बताने के लिए कि परम सत्य कौन है, लेकिन वो डायरेक्टली बताया नहीं, बाकी सब कुछ बता दिया। तो वेदों के अंदर बहुत कुछ है, अगर किसी को मांस खाने की इच्छा है तो वो भी वेदों में वर्णित है, पर उसका एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि कैसे अमावस के दिन गांव के बाहर रात के अंधेरे में 12 बजे उस जानवर की आंख में आंख मिलाते हुए उसके कान में कहते हुए मांस, मतलब मैं तुम्हें मार रहा हूं, अगले जन्म में तू मुझे मारना, और खुद अपने हाथ से। तो इस तरह की बहुत सारी प्रक्रिया है उसके अंदर, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ऐसे सबका बहुत वर्णन है। लेकिन कालांतर में लोगों ने बहुत गड़बड़ करके वेदों के आधार पे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को वही रहता है ना, जैसे हमारा फिलोसॉफी भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कभी हमको कोई इच्छा नहीं तो बोल देते भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव ग्रहण करते, मैं तो लेटे लेटे भी चैंटिंग कर सकता हूँ, क्या है। तो एनीवे, तो लोगों ने करना शुरू किया, तो भगवान ने देखा कि अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, लोगों को वेद के आधार पे गलत काम कर रहे हैं। और ये ही बहुत मुसीबत होता है, जैसे हमारे 10 नाम अपराध में सबसे खतरनाक नाम अपराध है कौन सा, नहीं, भगवान के नाम पे, टू कमिट द सिंफुल एक्टिविटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, नामना ही बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, नामना ही बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, के नाम के आधार पे कोई अपराध करे वो सबसे बड़ा खतरनाक अपराध है, और इसे भगवान फिर माफ नहीं करते उसको। तो वैष्णव के प्रति कोई अपराध करे और भगवान के नाम के प्रति कोई अपराध करे, भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। खुद का अपराध भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान अपने नाम का और वैष्णव का अपराध सहन नहीं करते। एनीवे, तो ऐसे ही वो गड़बड़ करने लगे थे, तो उस गड़बड़ को मिटाने के लिए भगवान एक और अवतार लेके आए। कौन सा अवतार? वाह, आप तो बहुत प्योर डिवोटी है। बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया, बोला तुम सब गड़बड़ वेदों के आधार पर कर रहे हो, इसको रिजेक्ट करो। वेदों को रिजेक्ट कर दिया और वो अपनी शरण में उसको लेके आ गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध भगवान ही है खुद, तो जैसे कि हम लोग हमारी लाइन में बुद्ध को भगवान मानते लेकिन बुद्ध की फिलोसॉफी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ किया था जस्ट लोगों को लाइन पे लाने के लिए, तो वो लोगों को थोड़ा दूर लेके गए वेदों से, लेकिन वो पर्पज नहीं था कि वेद से दूर चले जावे। भगवान कहते वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो वापस से वेदों पे लाने के लिए क्या हुआ, भगवान ने एक डिफिकल्ट टास्क, एक पर्सनालिटी को दिया जो जनरली डिफिकल्ट टास्क करने के लिए भगवान के लिए फेमस है, वो कौन है, शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए। तो जैसे जब हलाहल निकला बाहर समुद्र मंथन में, तो शिव जी को बुलाया गया कि शिव जी आप आओ और वो नीलकंठ बने। भगवान बहुत कठिन कार्य करना रहता है तो शिव जी का सहारा लेते हैं भगवान कई बार। तो शिव जी आए और मायावादम असत शास्त्र, उन्होंने एक असत शास्त्र की रचना करके और वेदों को रीएस्टैब्लिश करने के लिए वेदों का मुंडन इंटरप्रिटेशन किया और मायावाद का प्रचार किया, ब्रह्मवाद मायावाद का प्रचार किया, लेकिन वो भी पर्पज नहीं था। तो क्या किया कि जैसे बुद्ध जो थे वो हाईवे पे गाड़ी चल रही है, उन्होंने नीचे उतार दिया गाड़ी को, तो इन्होंने क्या किया वापस गाड़ी को हाईवे पे लेके आए उल्टा, लेकिन फिर वापस से उसको सही दिशा में लेके जाना था, तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, वैष्णव संप्रदायों को भेजा और अपने एक अंश जो भगवान का अंश है वो कौन है, अनंत शेष, अनंत शेष भगवान के अनुज, हाँ, रामानुज लक्ष्मण और अनंत शेष का जो ये कंबाइन अवतार है उनको भगवान ने धरती पे भेजा और वो है श्रीपाद रामानुजाचार्य, जिनके बारे में हम आप चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड है। इसके बारे में अभी देखो, जैसे चलो वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो मैं आपको 0, 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, लेकिन वो आप उस लेक्चर में सुन लेना अभी, कि बुद्ध आए, उन्होंने 0, एवरीथिंग इज वाइड, शून्य, उन्होंने वो एस्टाब्लिश किया, तो शंकराचार्य ने उस 0 को हटा दिया और वहां पे 1 लगा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, 1 भगवान है, लेकिन वो कौन है, निराकार है, ऐसा करके दे दिया। तो फिर उन शंकराचार्यों की फिलोसॉफी को हटाने के लिए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी ये सब आए और उन्होंने कहा कि 1 नहीं 2 है।
तो उन्होंने क्या कहा कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम दोनों भगवान है, सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज वन. देन दे सेड नो, नॉट एवरीथिंग इज वन, यू नो देयर इज अ ड्वालिटी, भगवान भी है और जीव भी है. भगवान का अपना अस्तित्व है, भगवान विभु है, हम लोग अणु है. भगवान इज गोल्ड माउंटेन एंड वी आर पार्टिकल ऑफ गोल्ड. भगवान समुंदर है और हम समुंदर की एक बूंद है. वो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और इन सब ने एस्टैब्लिश किया. तो दिस इज बेसिकली द होल मैथमेटिक्स ऑफ 0, 1 एंड 2. ओके, द होल फिलोसॉफी इज कंटेंड इनटू 0, 1 एंड 2. तो इसके अंदर ही पूरा का पूरा हमारा है. और फिर उसके अंदर और आगे कुछ लोग समझ नहीं पाते थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद तत्व का निरूपण किया, जिसके अंदर साइमल्टेनियस वन एंड डुअलिटी डिफरेंट, वो दोनों जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा. तो ये बहुत एक अच्छा, तो हम जो साधकों के लिए सब समझना चाहिए हमको कि हम लोग किधर है, क्या है, कहाँ पे हमारा वो होना चाहिए. तो एनीवे, कमिंग बैक टू श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य के 300 साल पहले लगभग शंकराचार्य आए थे और उन्होंने बहुत प्रोपोगेट किया फिलोसॉफी को. और उनको हटाने के लिए फिर एक्चुअली प्रभुपाद जैसा कहते हैं दैट शंकराचार्य की जो ये मायावाद फिलोसॉफी है, इट इज लाइक ए शार्प टीथ एंड दिस टीथ आर ब्रोकन बाय वैष्णव सेंट्स लाइक रामानुजाचार्य. तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसा के पास कोई आया और कहा कि प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं दैट दे आर वेदांतीस. तो प्रभुपाद ने कहा विथ माई फिस्ट आई विल ब्रेक देयर टीथ एंड दे विल बिकम वेदांतीस. दांत ही नहीं रहेंगे उनके. तो ऐसे मायावाद के दांतों को उन्होंने तोड़ा था श्रीपाद रामानुजाचार्य ने. तो रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, 1017. सो लगभग 1005 साल पहले साउथ इंडिया में श्री पेरम्बतूर के जगह पर उनका जन्म हुआ. पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि बिफोर वी एम्बार्क अवर जर्नी टू इवन यू नो डिस्कस द ग्लोरीज ऑफ रामानुजाचार्य, उनके गुरु कौन है? यमुनाचार्य. थोड़ा उनके बारे में हम बात करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ भी कवर कर पाएंगे. यमुनाचार्य के बारे में शायद डिस्कस करने का टाइम हमारे पास रहेगा और प्रभु जी की या यात्रा एडर की कृपा हुई तो मैं भी अगर आगे चांस मिला तो मैं उसके अंदर आपको रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा और डिटेल बताने की कोशिश करूंगा. तो आला बंदारा उनको कहा जाता है कि वन हु हैज कम टू कॉन्कर. शायद साउथ इंडिया वाले सब सिर हिला रहे हैं, उनको पता है आला बंदारा का क्या मतलब होता है. तो यमुनाचार्य जी 1918 में उनका जन्म हुआ मदुराई में. मदुराई बहुत ही एक विशेष स्थान है और एक बहुत ही बड़े भक्त थे जिनका नाम था नाथ मुनि, जो बहुत ही स्कॉलर थे. और श्री नम्मा अलवर, अगर आपने नाम सुना है साउथ इंडिया में तो सभी जानते हैं कि अलवर भगवान के विशेष भक्त हुए हैं, जैसे हमारे लिए षड गोस्वामी है या फिर यू नो अष्ट सखा है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लिए, उस प्रकार से साउथ इंडिया में अलवर्स हुए हैं श्री संप्रदाय के अंदर और नम्मा अलवर उसमें से बहुत ही बहुत. तो नाथ मुनि उनके वो सॉन्ग्स जो है उन्होंने कंपाइल किए हैं और उनका प्रचार किया उन्होंने. तो नाथ मुनि के एक पुत्र थे जिसका नाम था एनीबडी नोस ईश्वर मुनि. ईश्वर मुनि उनके पिता थे, मतलब उनके बेटे थे जिनका विवाह हुआ एक बहुत ही यू नो सुंदर कन्या से. और उसके बाद वो लोग अपने शादी के बाद कई वर्षों के बाद वो ट्रिप पे गए वृंदावन. तो ये लोग साउथ इंडिया में थे तो साउथ से नॉर्थ में वृंदावन में गए और वृंदावन में उनका मन बहुत आकर्षित हो गया. और जब वापस आए भगवान का आशीर्वाद लेके तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और यमुना महारानी, यमुना रिवर के उस भाव में उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा यमुना. यमुना नाम उन्होंने उनका रखा. तो यमुना जो है वो बहुत विशेष है. अभी ऑब्वियसली हमारा वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है लेकिन हर संप्रदाय में भगवान की जो लीला क्रीड़ा भगवान ने की वो यमुना तट पे और फिर चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तट पे की. तो जान विटट बन. सो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही विशेष भक्त है कालिंदी. जमुना जल मा केसर घोली स्नान कराऊ श्यामला हल्के हाथे अंगो चोली लाड़ लड़ाऊ श्यामला. तो यमुना जो है ऑब्वियसली आज
थोड़े साल पहले तो बहुत हालत खराब थी, फिर लेकिन यमुना के लिए बहुत भक्तों ने ब्रज में बहुत प्रयास किया, और अभी कोविड की वजह से वापस यमुना जी जो है वो बहने लगी है बहुत अच्छा। लेकिन एक जमाने में यमुना तक यमुनोत्री का पानी पहुंच ही नहीं पाता है, दिल्ली पे ही उसको रोक लिया जाता है, और बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो सेव यमुना आंदोलन शुरू हुआ, और बिरज के अंदर यमुना जो है वो बहुत ही विशाल, पहले तो एक समुद्र के भांति बहती थी। तेरे बिरज में कुआर बावड़ी, तेरे बिरज यमुना जी अपार, तेरा बिरज जाने कैसा उसन सावरा यार, तेरा बिरज जाने कैसा। भगवान के सखा उनको कहते हैं कि तेरे बिरज में गैया बहुत है, तेरे बिरज में गैया बहुत है, तेरे बिरज में दूध की धार, तेरा बिरज जाने कैसा। तो आज तो हालत ऐसी है कि ब्रिज में भी गाय कट रही है, जो ब्रिज गोविंद और गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमको यथाशक्ति यथा प्रयास गौओं की सेवा और रक्षा की कोशिश करनी चाहिए। एनीवे, तो यमुना पे उन्होंने अपना नाम रखा, और उसके बाद ऐसा हुआ कि पुत्र के प्राप्ति के बाद में कुछ समय के बाद नाथ मुनि चल बसे, सॉरी नॉट नाथ मुनि, ईश्वर मुनि उनके पिता जो थे वो चल बसे। तो नाथ मुनि को बहुत झटका लगा कि उनका पुत्र जो है वो इस प्रकार से अनटाइमली डेथ से, तो उन्होंने फिर संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके अपना घर छोड़ के वो चले गए। तो जब वो चले गए तो ऑब्वियसली यमुनाचार्य अपने माता के साथ में रहते थे, और जब वो बड़े हुए 5 साल के जब हुए तो एक भाष्य आचार्य के पास में वो पढ़ाई करने के लिए गए, और उनके वो बेस्ट स्टूडेंट बन गए, और बहुत जल्दी ही उन्होंने सब कुछ स्क्रिप्चर जो है वो सीख लिया। और उस समय भारत में ऐसा होता था कि शास्त्रार्थ बहुत होता था, तो बहुत सारे स्कॉलर्स लोग एक दूसरे को चैलेंज करते थे। तो शास्त्रार्थ के लिए उस समय पांड्य किंग जो मदुराई का राजा था उसकी सभा के अंदर एक कोलाहल करके एक दिग्विजय पंडित था, और उसने एक ऐसा नियम बनाया था, और क्योंकि वो बहुत विद्वान था तो राजा का फेवरेट भी था, और इसलिए कई बार राजा से भी ज्यादा पावर उसके हाथ में रहता था, वो जैसा कहता था राजा वैसा करता था। तो उसने एक नियम बनाया कि हर किसी को उसके साथ में शास्त्रार्थ करना है जो अपने आप को विद्वान मानता है, और अगर शास्त्रार्थ में वो पराजित होता है तो उसको उसको जिंदगी भर टैक्स पे करना है, कर देना है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा करके बहुत बार बहुत लोगों को उसने हराया था, और अनफॉर्चुनेटली भाष्याचार्य भी उनसे हार गए थे, यमुना के जो गुरु थे। तो उनको टैक्स पे करना था, लेकिन बहुत गरीब थे वो, ब्राह्मण थे, तो उनके पास टैक्स पे करने का पैसा था नहीं, तो 2 साल तक टैक्स पे नहीं कर पाए वो। तो एक बार क्या हुआ, यमुनाचार्य जी जब अपने स्कूल में अकेले बैठे थे पढ़ाई कर रहे थे, तो कोलाहल के कुछ सेवक आए और उन्होंने आके कहा कि अरे तुम्हारे गुरु किधर है भाष्याचार्य। हाँ, तो अपने गुरु के प्रति ऐसे किसी को अभी जैसे कोई आके हमारे गुरु महाराज के बारे में कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा बोले तो कितना हमको गुस्सा आएगा कि क्या बोल रहा है। तो उसने बहुत शांति से कहा कि क्या क्या मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है बताओ जरा। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे गुरु को शर्म नहीं है, हाँ हमारे गुरु से वो हार गया है और टैक्स पे करना है लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहा है, हाँ या अपने आप को बहुत यू नो शाणा समझ लिया है क्या, ये मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा था। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बात कही तो यमुना को बहुत थोड़ा बुरा लगा, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बताइए क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारा गुरु जो है कोलाहल, उसने तुम्हारे गुरु को हरा दिया है। हाँ, तो ये जो कई बार ऐसा होता है ना कि इसलिए हम कहते हैं कभी एक दूसरे के गुरु को किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना अलग अलग मूड है, और उसी में तो एनीवे यमुना किसी से लड़ाई नहीं करते थे। ऐसे बताते कि यमुनाचार्य इतने सॉफ्ट जेंटल सौम्य प्रकार के बालक थे कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बहुत अच्छे। लेकिन जब उनको गुरु के बारे में अगर कुछ बुरा कहा गया तो उनको उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो यार, तुम क्या अपने गुरु का इतना वो सब नो डंग मार रहे हो, तुम्हारे गुरु को बोलो मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे जीव गोस्वामी ने भी ऐसे ही किया था कि जब नो रूप गोस्वामी के साथ में वो दिग्विजय पंडित आया अपना विजय पत्र लेके कि मेरे को शास्त्रार्थ करना है, रूप गोस्वामी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है यार। तो सम डिवोटीज दे डोंट इंडल्ज इनटू ऑल दिस थिंग, ठीक है तो जो करना है कर, साइन करके दे दिया। लेकिन जीव गोस्वामी से रहा नहीं गया, फिर उन्होंने उसको हरा दिया। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा गुरु
मेरे साथ शास्त्रार्थ करे तो उनको तो शॉक लग गया। उन्होंने कहा क्या बोल रहे, 5 साल का बालक, किधर कोलाहल और किधर ये। लेकिन वो चले गए वहां पे क्योंकि चैलेंज हुआ था, और जाके कोलाहल को बताने लगे तो कोलाहल हंसने लगा। उन्होंने बोला ये बच्चे को शायद दिमाग फिर गया इसका, अभी तो दूध पीता बच्चा है ये, दूध के दांत इसके टूटे नहीं है, शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहा है, जरा जाके वापस पूछो उससे कि इज ही रियली सीरियस, और ऐसे खाली बोल दिया उसने करके। तो वापस से जब गए राजा के बोलने पे उनके दूत, तो उन्होंने कहा कि आई विल डू शास्त्रार्थ, लेकिन कोलाहल से शास्त्रार्थ करना है तो मेरे लिए पालकी भेजनी चाहिए और 1000 सेवक आने चाहिए, तो ही मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा बात तो सही है भाई, कोलाहल इतना बड़ा आदमी है तो उसके लिए तो ऐसा ही आदमी चाहिए ना मैच का। तो उसको लेके गए तो पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि कोलाहल का यमुनाचार्य के साथ में डिस्कशन हो रहा है, और सब लोग वहां पर जमा हो गए। और कुछ कुछ ब्राह्मण थे जो कोलाहल से बहुत दुखी थे क्योंकि कोलाहल ने उनकी हालत खराब करके रखी थी, तो वो ब्राह्मणों के दिल से दुआ निकली और उन्होंने कहा कि यार यमुनाचार्य जीत जाए तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा वो सोचते थे और अंदर अंदर आशीर्वाद देते थे। तो बहुत जन जमा हो गए तो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तरफ कोलाहल के लोग थे, एक तरफ यमुना के लोग थे, और एक दूसरे के साथ में वहां पर आए थे। और जब ये होने वाला था तो राज्य में भी, मतलब राजा के और रानी के बीच में विवाद छिड़ गया। राजा ने बोला कि कोलाहल जो है कि जैसे एक एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ लेती है, दबोच के खा जाती है, वैसे कोलाहल ये यमुना को चबा जाएगा। तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं, एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े पहाड़ को जला देती है, वैसे ये यमुना इसको जला देगा। तो दोनों के बीच में टक्कर हो गई। तो उसने, राजा ने कहा कि तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, तुम कोलाहल को जानती नहीं हो, अगर कोलाहल जीत गया तो क्या होगा बताओ, क्या शर्त लगाती हो। तो रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे दासियों की दासी बन जाऊंगी। बहुत बड़ी बात थी कि भाई दासियों की दासी रानी बन जाएगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुमने इतनी बड़ी शर्त रखी है तो तुम्हारे मैच का शर्त मैं भी रखता हूँ, आई विल ऑल्सो पुट समथिंग मैचिंग इट, एंड अगर यमुना जीत गया बाई चांस, जो कि जीतने वाला नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन जीत गया तो आधा राज्य मैं उसको दे दूंगा। ओ हरी बोल, इतना एकदम दोनों के बीच में वो हो गया। और जब वो आए यमुना पालकी के ऊपर तो सरकास्टिकली, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ताना मारते हुए कोलाहल ने बोला, आला बंदारा, मतलब आ गया तू मुझे जीतेगा, हाँ तू आ गया। तो रानी ने भी कहा आला बंदारा, मतलब हाँ वह आ गया जो तुमको जीतने वाला है, देयर इज अ टू मीनिंग ऑफ दिस आला बंदारा। तो दोनों आए और कॉन्टेस्ट हुआ। तो कोलाहल ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले छोटी ABCD से चालू किया, बोला छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, और उसको ग्रामर का क्वेश्चन पूछने लगा, तो वो यमुना ने आंसर दे दिया, फिर डिफिकल्ट ग्रामर पूछा वो भी दे दिया, सब कुछ करने लगा। तो देखा कि हर क्वेश्चन का आंसर ये बच्चा दे रहा है, जैसे वो कौटिल्य, आपने देखा ना टीवी पे, एक वो कौटिल्य करके एक लड़का था, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे देता है वो। आई डोंट नो, आप लोग सब लोग संत लोग है तो आपको खैर पता नहीं रहता है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही रहा हो आप लोग। तो कौटिल्य धनाधन जवाब दे देता है एक्चुअली। तो ये जवाब दे रहा है और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था कोलाहल। और फिर यमुनाचार्य ने कहा कि देखो, हाँ जैसे प्रभु जी डायलॉग मार रहे थे, मूर्ति लहान कीर्ति महान, तो उन्होंने कहा देखो छोटे बच्चों को देख के, हाँ और ऐसा छोटा छोटा प्रश्न मत पूछो यार, तुम थोड़ा कुछ बड़ा प्रश्न पूछो। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, सबके आंसर दे दिए। फिर कोलाहल ने कहा कि ठीक है अभी तुम्हारी बारी है, तुम प्रश्न पूछो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने 3 प्रस्ताव रखता हूँ, अगर उस 3 प्रस्ताव का खंडन तुमने कर दिया तो मैं हार स्वीकार मान लूंगा। तो बोला ठीक है आने दो, इरशाद प्रेजेंट करो सामने। तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला प्रस्ताव है कि तुम्हारी माँ बांझ है, योर मदर इज ए बैरन वुमन, रिफ्यूट इट, खंडन करो इसका। समझ में आया प्रश्न, कि तुम्हारी माँ बांझ है इसका खंडन करो। अब कोलाहल सोचने लगा कि मेरी माँ अगर बांझ है तो मैं पैदा कैसे हुआ, मतलब ही वॉज थिंकिंग दैट इफ माई मदर इज ए बैरन वुमन देन हाउ आई वॉज बॉर्न, तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो हार गए। तो उसको बोला ठीक है मेरा दूसरा प्रपोजिशन तुमको देता हूँ, चिंता मत करो, मेरा दूसरा प्रपोजिशन ये है कि राजा जो है जो बैठा था उधर सामने, बोला ये सबसे ईमानदार राजा है, मतलब राइचियस राजा है पूरा, मतलब धर्म करता है, मतलब धार्मिक राजा है, इसका खंडन करो, रिफ्यूट दैट ही इज ए पायस किंग। अभी कोलाहल सोच रहा है यार ये पायस तो है, अभी मैं खंडन कैसे करूं इसका कि पायस नहीं है, मतलब खंडन मतलब करना कि वो इम्पायस है, वो बेकार आदमी है,
अब राजा के सामने कोलाहल कैसे बोलेगा कि वो बेकार आदमी है, तो एकदम कोलाहल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो सोचता है कि अरे यार ये क्या हो गया ना, हाउ कैन आई इवन से दैट किंग इज नॉट ए पायस किंग, तो चुप रहता है। यमुना बोलता है कोई बात नहीं, नाउ हियर माई थर्ड प्रोपोजिशन, मेरा तीसरा सुनो कि रानी जो है शी इज एज चेस्ट एंड फेथफुल टू हर हस्बैंड एज सावित्री, मतलब अपने पति के लिए वो एक पतिव्रता नारी है, पत्नी है, इसका खंडन करो। अब वो भी सोचा अरे पत्नी तो पतिव्रता ही है, उसका खंडन मैं कैसे करूं, दैट मीन्स शी इज नॉट चेस्ट, हाउ कैन, मतलब रिफ्यूट करने का मतलब ऐसा है कि रानी जो है वो पतिव्रता नहीं है लेकिन उल्टा, मतलब कुछ यू नो। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने बोला ये ऐसा 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 क्या प्रश्न पूछ रहा है, एक का भी जवाब मेरे को नहीं आ रहा है, और जोर से चिल्लाने लगा, बोला यू फूल यू डोंट नो, राजा के सामने और रानी के सामने तुम ऐसा उल्टा पुल्टा बात कर रहा है, तुमको कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं। तो जो यमुना के जो पार्टी थे ना चीयर लीडर्स, वो लोग बोलने लगे रुको 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 ऐसा नहीं, तुमको प्रपोजिशन का खंडन करना था, तुम खंडन करो या हार मान लो। तो यहाँ के चीयर लीडर कहा कोलाहल वाले, वो खड़े होकर बोले नहीं 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 नहीं, ये गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बच्चा गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, ये घुमा रहा है हमारे इसको। तो बोला नहीं नहीं सही है। तो फिर कोलाहल ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना स्याणा बनता है ऐसा प्रश्न पूछा है तो तुम खंडन करके बताओ। चलो मैं खंडन नहीं कर पाया, तुम खंडन करके बताओ। तो चीयर लीडर ऑफ यमुनाचार्य वो बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, खंडन करने की बात किधर हुई थी, बात शास्त्रार्थ की हुई थी, तुम इसका आंसर नहीं दिया मतलब तुम हार गया। ओ कोलाहल, दोनों चालू हो गए, बहुत एकदम जोर जोर से सबके आपस में लड़ाई होने लगी। तो यमुनाचार्य सबको शांत कराया, बोला कोई बात नहीं, बात खंडन करने की नहीं हुई थी लेकिन फिर भी मैं खंडन करूंगा। और उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के आधार पर कोई कोई माता जिसका केवल एक पुत्र है उसको बैरन वुमन ही माना गया, उसको बांझ माना गया, क्योंकि उसने और किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया है। तो एक पुत्र जो होता है मनुस्मृति के हिसाब से उसको बैरन वुमन माना गया है। सो आई एम रिफ्यूटिंग बिकॉज यू आर द ओनली सन ऑफ योर मदर। तो कोलाहल सोचने लगा हाँ यार मैं तो अकेला ही हूं ऐसा करके ना, तो वो रिफ्यूट हो गया। फिर दूसरा उसने कहा कि राजा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है जनता का, है कि नहीं, जनता उसको चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो जनता जो अच्छे कार्य करती है उसका भी फल राजा को प्राप्त होता है और जो बुरा काम करती है उसका फल भी राजा को भोगना पड़ता है बिकॉज ही इज द लीडर। इसीलिए क्या होता है कि सर्वेंट का जो भी अपराध होता है वो लीडर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो सच्चा लीडर है। इसका एग्जाम्पल भागवत में भी आता है कि जब जय विजय ने गलती की तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, बोला आई विल कट माई हैंड बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ माई सर्वेंट, डोंट वरी। तो उन्होंने कहा कि राजा जो है जनता का अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि राजा तो अच्छा आदमी है, नो प्रॉब्लम, ही इज राइचियस किंग, बट क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के अंदर अच्छाई से ज्यादा बुराई है ना, अच्छाई से ज्यादा बुराई है कलयुग के अंदर, और इसीलिए लोग झुकाव जो है उनका बुराई की तरफ ज्यादा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि लोग बुराई ज्यादा करते हैं और उसका जो फल है वो राजा को मिलता है। तो राजा का समझो अच्छाई 40% है, बुराई 60% है, तो राजा 60% बुरा हो गया, तो इसका मतलब ही इज नॉट ए राइचियस किंग। तो वो सब ताली बजाने लगे, बोला अरे वाह वाह क्या बताया क्या बताया क्या बताया। फिर उन्होंने कहा कि राजा जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव भी है, किसका रिप्रेजेंटेटिव, इंद्र चंद्र वायु वरुण अन्य जो देवता है, ऐसे कुछ 8 देवता का नाम लिया गया है, अग्नि वायु सूर्य चंद्र यम कुबेर वरुण और इंद्र, ये 8 जो राजा है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और इसके लिए हालांकि रानी जो है वो पतिव्रता नारी है लेकिन क्योंकि शी इज मैरिड टू राजा एंड राजा इज रिप्रेजेंटेटिव 8 पीपल, सो शी इज अल्टीमेटली मैरिड टू 8 पीपल ऑल्सो। और समझ में आया आपको ना, कि कुछ लोगों का जरा आईब्रो ऊपर हो रहा है तो मेरे को समझ, तो कह रहे हैं कि राजा जो है वो पवित्र है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव है 8 देवताओं का, और रानी ने शादी राजा से की है, इसका मतलब रानी ने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली 8 देवताओं से भी शादी की है। तो हालांकि वो पतिव्रता है लेकिन फिर भी इन वन सेंस वो पतिव्रता नहीं है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। और जब आप सबने ऐसा सुना तो जोर से जो यमुनाचार्य का जो पार्ट था वो चिल्लाने लगे हरि बोल आला बंदारा आला बंदारा आला बंदारा ऐसे करके, और वो जीत गया और कोलाहल उसके चरणों में गिर गया। और राजा उठा, और राजा ने उठ के यमुनाचार्य छोटा था वो 5 साल का, उसको गोदी में उठा लिया, उसको चुंबन किया और जय जयकार करने लगे राजा। राजा ने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया था आधा राज्य दूंगा, तो आज से तू और मैं समान, 50% तू राजा 50% मैं राजा।
और यमुनाचार्य को राजा बना दिया, और फिर उसने कहा कि क्योंकि तू राजा है इसको दंड देने का अधिकार तेरा है, इसको कोलाहल को, ये तेरी मृत्यु चाहता था, तेरे गुरु की मृत्यु चाहता था, यू कैन ट्रीट हिम एज यू लाइक, बट क्षमा जो है परमो धर्म, वैष्णव का सबसे बड़ा क्वालिटी है क्षमा, वो माफ कर देता है. समटाइम इट इज सेड दैट अ वैष्णव इज सो कंपैशनेट दैट ही फॉरगिव्स द ऑफेंस बिफोर इट इज इवन मेड, अपराध करने के पहले ही उसको क्षमा कर देता है. तो उसने कोलाहल को क्षमा कर दिया, उसने कहा कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डाई, आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू ए लेसन. और फिर क्या हुआ, 5 साल की आयु में कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 साल में इतने बड़े राज्य का राजा बन जाए, समझो आधा का आधा धरती उसको मिल जाए पूरा. तो यमुनाचार्य राजा बन गए और राज करने लगे, लेकिन जो दूसरे राज के जो लोग थे उन्होंने सोचा दिस इज अ गुड टाइम टू अटैक, बिकॉज 5 साल का बालक ये क्या करेगा, क्या लड़ाई करेगा ना. तो अटैक करने के लिए जैसे विराट में जो उत्तर कुमार था वो बहुत कमजोर था एक्चुअली, तो पूरी सेना लेके वो दुर्योधन आ गया वहां पे, मूर्ख बोला इस पे अटैक करूंगा और इसको ले लूंगा, पर उसको पता नहीं था कि उसके साथ में बृहन्नला है. बृहन्नला कौन है, तो अर्जुन ने उसको बचा लिया. एनीवे तो बोले इस पे अटैक करो, तो सब आके यमुनाचार्य पे अटैक करने लगे, लेकिन यमुनाचार्य ने सबको खदेड़ दिया, सबको बाहर भगा दिया और अपने राज्य का विस्तार किया. और इस प्रकार से यमुनाचार्य राज करने लगे, लेकिन राज करते करते यही प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है कि इफ यू आर टू मच इन कनेक्शन विद द मटेरियल एनर्जी देन यू एक्चुअली टेक द एसेंस ऑफ दैट मटेरियल एनर्जी. तो ये भगवान एक लेसन बताना चाहते हैं. तो राज कार्य में इतना लिप्त होने की वजह से और पॉलिटिक्स में लिप्त होने की वजह से यमुनाचार्य की भक्ति जो है धीरे धीरे कम होती गई, बिकॉज ही वॉज गिविंग मोर अटेंशन हियर. तो वो होने की वजह से क्या हुआ, धीरे 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 यमुनाचार्य दूर हो गए. और नाथ मुनि को जब ये बात पता चली कि यमुनाचार्य जो है उनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो वो तो संन्यास ले चुके थे, तो उनको एक बड़ा दुख हुआ. और उनका एक शिष्य थे राम मिश्रा, उस राम मिश्रा को उन्होंने कहा कि मेरे दिल में एक तमन्ना है कि ये जो मेरा पोता है यमुना, ये थोड़ा हट गया है अपने पाथ से, इसको तुम वापस आओ, इसको वापस डिवोशनल पाथ पे लेके आओ. तो राम मिश्रा ने वो कसम खाई कि ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है. तो यमुनाचार्य ऑलमोस्ट भक्ति भूल चुके थे, तभी राम मिश्रा वहां पे आते हैं और यमुनाचार्य से मिलना चाहते हैं. लेकिन बहुत प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपको पता है अगर आपको भी जाके प्रेसिडेंट से मिलना है तो आप नहीं मिल सकते, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो वो बेचारे राम मिश्रा सिंपल साधु थे, वो धोती पहन के जा रहे थे, उनके पास में किसी ने अंदर एंट्री नहीं दिया. जैसे सुदामा जब मिलने जा रहे थे तो उनको एंट्री नहीं दिया, वहीं पे रोक दिया द्वारपालों ने. तो फिर उसने क्या कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, न सर पे है टोपी न तन पे है जामा, बताओ कन्हैया को नाम है सुदामा, बताओ कन्हैया को नाम है सुदामा. तो जाके वो सुदामा का वो देते हैं. और फिर जब कृष्ण सुनते हैं सुदामा के बारे में, जैसे ही नाम सुनते हैं, तो जैसे सुदामा का नाम सुनते तो कहते हैं कि वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा जीबा गया है. एनीवे तो नाथ मुनि और राम मिश्रा को अंदर एंट्री नहीं मिली, तो राम मिश्रा ने सोचा कि ऐसे कुछ होगा नहीं. तो एक तुलु वलाई करके एक सब्जी होती है, किसी को मालूम है, साउथ इंडियंस, तुडु वलाई, दिस इज द नेम ऑफ द वेजिटेबल. ये क्या होता है, एक तरह का पालक है, पालक की सब्जी, लीफी वेजिटेबल. और उसको खाने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ यू ईट दैट, इफ यू ईट दैट यू बिकम ए पायस पर्सन, योर एबिलिटी टू एब्सॉर्ब स्पिरिचुअल नॉलेज बिकम्स मोर इंक्रीजेस बाय ईटिंग दिस वेजिटेबल तुडु वलाई. हाँ, ढूंढो अभी किधर से मिलेगा. ओके, देखो पेरुमाल में मिलता है, खाओ वहां पे जाके. सो एनीवे तो वो सब्जी बना के राम मिश्रा रोज ना अपने कुक को देते थे, जो राजा का कुक था ना. और राजा का कुक को मालूम था कि भाई ये तो साधु आदमी है, इसको ऐसा सब्जी, तो रोज खिलाते थे सब्जी.
और यमुनाचार्य गॉट हुक्ड टू दैट वेजिटेबल, वो रोज खा खा के उनको बहुत आनंद आता था कि इतना मस्त सब्जी है वो। तो क्या हुआ, बहुत दो महीने के बाद में एक दिन ना राम मिश्रा ने वो सब्जी नहीं बनाई, मतलब भेजा नहीं, तो किंग जब खाना खा रहे थे तो देखा ये सब्जी गायब है भाई, इधर यू नो वो किधर है सब्जी, तो बोला पता नहीं वो एक साधु आके दे गया था, आज साधु आया नहीं है। तो बोला अच्छा, तो बोला वो साधु फ्री में देता है, मालूम नहीं क्यों देता है, वो बोलता है कि मैं राजा से प्रेम करता हूँ। तो फिर राजा को बोला, अरे तो राजा बोला ठीक है कल जब आएगा तो मुझसे मिलवाना, आई वॉन्ट टू सी कौन भाई मेरे से ऐसा अहेतु की अप्रतिहता का प्रेम कर रहा है भाई, मैं देखना चाहता हूँ। तो राम मिश्रा से फिर दूसरे दिन मुलाकात हुई, राम मिश्रा ने उसको बोला कि तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, और फिर कहा कि तुम्हारे दादाजी कौन, दादा कौन थे यमुना के, इतनी बार मैंने नाम लिया, नाथ मुनि, नाथ मुनि ने एक बहुत बड़ा खजाना आपके लिए छोड़ा है, वो तो सन्यासी बन गए लेकिन उनको बहुत बड़ा खजाना मिला है, और उन्होंने वो खजाना आपको देने के लिए बोला है, तो आप मेरे साथ वो चलो खजाना लेने के लिए, और उनको तो अपना राज्य को आगे बढ़ाना था, ही वॉज अ बिग किंग एट दैट टाइम, तो बोला अरे चलो खजाना लेने के लिए चलते। तो बोले तुम्हारे साथ कोई और नहीं आएगा, अकेले तुम मेरे साथ में चलो, ये कंडीशन है नाथ मुनि का। तो बोला ठीक है मैं कंडीशन स्वीकार करता हूँ और मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो वो लेने के लिए साथ में गए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको लेके जाऊंगा, लेकिन वो खजाना किधर है, वो सात दीवालों के पीछे है, हाँ इट इज बिहाइंड सेवन वॉल्स बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में है, गार्डेड बाय ग्रेट सर्पेंट, और एक सांप है, एवरी 12 इयर्स ए डीमन फ्रॉम कम्स टू इंस्पेक्ट द ट्रेजर, और हर 12 साल में एक राक्षस है जो उस खजाने को देखने के लिए आता है, और ये खजाना जो है एक मंत्र के द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो इसको पाना इतना आसान नहीं, इसलिए तुमको वो मंत्र मुझसे सीखना पड़ेगा। फिर वो मंत्र को चैंट करके उस सर्पेंट को यू नो अपने दबाव में लाके और फिर वो करना पड़ेगा, ऐसा करके सब उसको पूरा गणित सिखाया। तो बोला कोई बात नहीं। तो फिर वो रास्ते में जब चलते जा रहे थे बहुत दूर तक दूर तक दूर तक दूर तक जा रहे थे, और वो श्रीरंगम की तरफ उसको लेके जा रहे थे, तो बीच में क्या करने लगे, जहां पे रेस्ट का टाइम हुआ राम मिश्रा वहां पे भगवद गीता के श्लोक उच्चारण करने लगे, तो भगवद गीता का श्लोक सुन के और इस पे असर होने लगा, किस पे, यमुनाचार्य पे। तो देखो ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को कई बार असर ही नहीं होता है कुछ, कितना भी श्लोक पढ़ लो। हाँ तो प्रभु जी अभी बोल रहे थे, तो शाम को 9 to 9:15, 9:20 अगर आपके पास टाइम है तो आ जाओ, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं रोज शाम को बैठ के जूम पे, इसी जूम पे। तो वो श्लोक बोलने लगे तो उस पर असर होने लगा, और धीरे 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 धीरे, और जब वो 12वें अध्याय पे आए और 12वें अध्याय का जब श्लोक बोलने लगा, तुरंत एकदम यमुनाचार्य का जो माइंड है वो चेंज हो गया, और उसने कहा कि यार ये तो मैं भूल गया था सब, वापस से तुम मुझको रिमाइंड किया, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा अगर तुमको इंटरेस्ट आया तो तुम बैठो थोड़ा देर, हम पूरा भगवदगीता 18 अध्याय कम्प्लीट करके आगे बढ़ते। पूरा 18 अध्याय का 7 दिन के अंदर उनको 7 डेज JOSD जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स दे दिया। तो पहला कोर्स उधर बना था, किधर, राम मिश्रा ने बनाया यमुनाचार्य के लिए आज से हजारों साल पहले, और 7 दिन में भगवदगीता का पूरा ज्ञान दिया, वापस से वो डिवोटी बन गए, ही फेल एट द फीट ऑफ राम मिश्रा और बोला तुम मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, आई एम योर डिसाइपल, प्लीज इनिशिएट मी। और उसने कहा कि अभी मेरे को खजाना वजाना नहीं चाहिए, वापस चलो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं खजाना तो तुमको मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया तुम्हारे गुरु, मतलब मेरे गुरु को नाथ मुनि को, तो खजाना मैं तुमको दूंगा। तो वो जब उनको लेके गए तो 7 दीवालों से बाहर लेके गए, जो कि श्रीरंगम का मंदिर है, श्रीरंगम के मंदिर में गए, और जैसे ही अंदर गए तो एक सांप जो है जो अनंत शेष पे लेटे हुए हैं श्रीरंगम में, रंगनाथ भगवान। और ये रंगनाथ भगवान ओरिजिनली कहाँ से आए, ये वैकुंठ से आए, भगवान रामचंद्र जी ने इसको विभीषण को दिया था, इसलिए हर 12 साल में विभीषण उनका दर्शन करने आता है, वो डीमन है राक्षस के रूप में। और ये जब वो साउथ इंडिया में लेके जा रहे थे लंका में, तो फिर आपको स्टोरी पता है कि कैसे रंगनाथ जी वहीं पर रह गए कावेरी के नदी में, और दो नदी के बीच में ये खजाना है, और वो खजाना क्या था, भगवान रंगनाथ जी का दर्शन। तो भगवान रंगनाथ जी का लेके गए, तो गर्भगृह के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहां पे, तो पूरा काला गर्भगृह होता है भगवान, तो उसका जब दर्शन हुआ तो यमुनाचार्य एकदम वहीं पे पिघल गए पूरा का पूरा रंगनाथ को देख के, और उन्होंने कहा कि यही मेरा सच्चा खजाना है भगवान रंगनाथ का। और फिर वो वहां पे वापस से अपने डिवोशन में आकर इतने बड़े डिवोटी बने यमुनाचार्य कि रामानुजाचार्य उनके शिष्य बने। अभी सोचिए ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया रामानुजाचार्य का क्लास स्टार्ट करने के लिए, वो यहां तक आ गया। तो एनीवे यमुनाचार्य जी ये श्री संप्रदाय के आचार्य थे सबसे बड़े, और उसके कई वर्षों के बाद में रामानुजाचार्य जो है वो आए। अभी एनीवे कितना, आई थिंक अवर टाइम इज अप राइट प्रभु, और वी हैव सम टाइम,
मेरे को 5 मिनट दे दो, आई विल जस्ट स्पीक अबाउट लिटिल बिट अबाउट रामानुजाचार्य टू स्टार्ट विथ एंड देन वी विल कंटिन्यू इन केस सीरीज में चार चार सीरीज लग जाएगा इसको करने में, बट देन वी कैन स्पीक एट लेजर, आराम से बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यमुनाचार्य के बारे में, जैसे हमने इसमें भी बहुत कुछ है आगे. लेकिन तो यमुनाचार्य का चीफ डिसाइपल जो थे उनका नाम था शैलपूर्ण. शैलपूर्ण की दो बहनें थी, किसी को नाम मालूम है? एनीबडी फ्रॉम साउथ इंडिया नोस? यस, वेरी नाइस, वंडरफुल. कांतिमती एंड दीप्तिमती. तो कांतिमती का विवाह हुआ था किसके साथ में? हुम कांतिमती मैरिड? अच्छा वो नहीं मालूम. असुरी केशवाचार्य उनका नाम था, उनके साथ में उनका विवाह हुआ. और दीप्तिमती का किसी और के साथ हुआ, उनका नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है. तो विवाह के पश्चात कई साल तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो वे पार्थ सारथी मंदिर चेन्नई में है, जहाँ पर कृष्ण भगवान मूछों में है, तो वहां पे जाके उन्होंने बहुत भयंकर तपस्या की और उनसे उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 1017 में. भगवान विष्णु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया रामानुजन. और वहीं पे दीप्तिमती को दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया Somebody said. गोविंद. वेरी नाइस. गोविंद उसका नाम था, इधर रामानुज. ये दोनों भाई थे, दोनों भाई आपस में बढ़ रहे थे. और रामानुजाचार्य वॉज ब्रिलियंट स्कॉलर, ब्रिलियंट. आप सोचो अनंत शेष खुद है जो भागवत के ओरिजिनल स्पीकर है, अनंत शेष. वैसे नारायण है, लेकिन नारायण ने अनंत शेष को भागवत सुनाई थी. वेरी इंटेलिजेंट, तो बहुत इंटेलिजेंट थे. और वहीं पे एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग फिर कांचीपूर्ण उस समय नहीं, वो किसी और एक विलेज में रहते, उसका भी नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द विलेज जहां पर वो रहते थे. एनीवे कभी याद आएगा तो बताऊंगा. नहीं, कांचीपुरम वॉज नॉट द प्लेस वेयर दे वर ओरिजिनली, देन दे मूव टू कांचीपुरम. एनीवे, तो इन कांचीपुरम देयर वॉज अनदर ग्रेट डिवोटी कॉल्ड कांचीपूर्ण. तो कांचीपूर्ण जो थे वो एक्चुअली शूद्र परिवार से थे, लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान उनसे बातें करते थे, डायरेक्ट टॉक. तो सारे ब्राह्मण लोग उसके पास आते थे और कहते कि भगवान से क्वेश्चन पूछ, आंसर दे. तो ही वॉज लाइक ए वाय मीडिया टू आस्क क्वेश्चन टू वरदराज. हाँ, वरदराज, वरद मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं, वरद, वरदान. तो वरदराज जो है वो भगवान का नाम है कांचीपुर के अंदर. तो वरदराज जी के साथ में उनका डायलॉग होता था और वो भगवान का पंखा झेलते थे वहां पर, क्योंकि गर्मी बहुत होती है उधर चेन्नई में, तो वो पंखा उनको झेलते थे और वरदराज उनसे बात करते थे. तो कोई भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कांचीपुर को बोलते थे, कांचीपुर ट्रांसमिट करते थे और वापस आंसर देते थे. इसलिए ब्राह्मण लोग भी बहुत उनको मान सम्मान देते थे, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो है वो उनसे जलते थे. ये दुनिया में हमेशा होता है, कोई भक्त थोड़ा ऊपर पढ़ने की कोशिश करे तो बहुत सारे लोग उससे जलना शुरू कर देते हैं, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं. हनुमान जी उड़ रहे थे एकदम स्पीड में, अचानक ब्रेक लग गया. हनुमान ने सोचा क्या हो गया, तो नीचे से मीका ने पकड़ लिया उसको, उसके शैडो को. सो पीपल विल कैच होल्ड ऑफ योर शैडो. कहीं पे गड़बड़ किया आपने, पूरा का पूरा व्हाइट दीवार है, एक ब्लैक डॉट है, पकड़ेंगे उसको, ये ऐसा है और खींचेंगे नीचे. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते. तो कांचीपूर्ण से भी कुछ लोग जलन करते थे, लेकिन एक बार वो जब जा रहे थे तो रामानुज के सामने आ गए और रामानुज उनका इफलजंग देख के इतने आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान के इतने बड़े भक्त है, उन्होंने उनके पैर पड़ के और उनको अपने घर पे बुलाया कि प्रसाद के लिए आओ. और फिर वो कहने लगे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. एक्चुअली इसके पहले भी और कुछ एपिसोड है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा. तो कांचीपुर के अंदर एक बहुत बड़ा मायावादी स्कॉलर था जिसका नाम था यादव प्रकाश, यादव प्रकाश या यादवाचार्य बोलते उसको. तो यादवाचार्य जो था वो शंकराचार्य की फिलोसफी पे प्रीच करता था और रामानुजाचार्य को बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो वैष्णव थे. और एक बार रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के पैर दबा रहे थे, मसाज कर रहे थे उनको, और एक स्टूडेंट वहां पे क्वेश्चन लेके आया और उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए. और फिर यादव प्रकाश को पूछा, तो यादव प्रकाश, वो प्रश्न ऐसा था कि कपि आसम करके उसमें एक शब्द आता है, वो वर्ड तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा बुक में. तो कपि आसम के बारे में आता है, तो कपि का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कपि? मंकी. और आसन का मतलब सिटिंग प्लेस. तो मंकी किधर बैठता है? अपने बम पे बैठता है. तो बेसिकली द सिटिंग प्लेस ऑफ मंकी कपि आसम. तो ऐसे बताते हैं कि भगवान पुंडरीकाक्ष, कल हम फूलों के बारे में बहुत बात कर रहे थे, तो भगवान जो है उनकी आंखें जो है वो लाल है. भगवान की एक्चुअली आंखें लाल है, रेड, टिंज ऑफ रेड, रेडिश उसके अंदर है. तो बोले कि भगवान की आंख जो है वो कपि आसम के जैसा है. तो
इसका क्या मीनिंग हुआ? तो यादव प्रकाश ने बोला कि भगवान की आंख बंदर के पिछवाड़े के जैसी लाल है। सोचो, दैट लॉर्ड्स आई इज एज रेड एज द रियर पार्ट ऑफ द मंकी। और ये जब सुना रामानुजाचार्य ने तो उनसे रहा नहीं गया, मतलब दिल एकदम टूट गया कि ऐसा कैसा भगवान को ऐसा बोल रहा है करके, और गरम गरम आंसू उनके आंख से नीचे गिरे और यादव प्रकाश के पैर में गिरे। तो कभी कभी आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं जो कि ठंडे होते हैं, और एक एग्निश जो होता है दुख के आंसू जो होते हैं गर्म आंसू होते हैं। तो जैसे ही गिरा तो यादव प्रकाश भी समझ गया कि इसको दुख हुआ कुछ, तो गर्म आंसू डाला इसने, ठंडा आंसू नहीं आया। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो बोला कि गुरुदेव आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो और आपके मुख से भगवान के बारे में इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता, डजंट बिफिट यू टू स्पीक लाइक दिस। तो नैन बोला यही इसका मीनिंग है, तू क्या सोचता है और कुछ उसका दूसरा मीनिंग है? तो नैन बोला गुरुदेव इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है और वो जो बहुत अच्छा है जो मैं आपको बताता हूँ। कम जलम पीबती, कपी का मतलब होता है कम जलम पीबती, कपी का मतलब कब, कम जलम पीबती के जो जल पीता है, कौन पीता है? कमल। और आसन, आसन का मतलब होता है के सूर्य, सूर्य जो होता है विच ड्रिंक्स द वॉटर एंड आसम मीन्स टू ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब जो, तो मतलब जो पानी पी के और ब्लॉसम होता है, और जो सूर्य बेसिकली सन जो है, तो सूर्य का प्रकाश पाकर जो खिलता है उसको कमल बोलते हैं। एक्चुअली कमल को पंकज भी बोलते हैं। पंक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज पंक? नॉट विंग्स, नॉट वाटर ऑल्सो। पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़। तो कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो पंकज जो कीचड़ में से पैदा होता है उसको पंकज बोलते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। तो उन्होंने कहा कि कमल, तो भगवान की आंखें जो है वो कमल के सदृश लाल है, ना कि वो बंदर के पिछवाड़े के जैसे। तो यादव प्रकाश वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसा एक एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन बहुत गुस्सा आया उसको, और उसको लगा कि तुम अगर ऐसा करते रहेगा तो मेरा स्कूल कैसे चलेगा। तो कई बार रामानुजाचार्य ऐसे कन्फ्रंटेशन होता था उसका गुरु के साथ में ऐसे, क्योंकि वो गुरु मायावाद फिलोसॉफी बोलता था, ये वैष्णव फिलोसॉफी बोलते थे। और ऐसे कन्फ्रंटेशन में एक बार गुरु को ऐसा लगा कि ये जो ही इज अ थ्रेट टू माई स्कूल। तो किसी ने, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इसको निकाल क्यों नहीं देते स्कूल में से, इसको निकाल दो। कभी कभी ऐसा होता ना कॉन्ग्रीगेशन में कोई व्यक्ति बहुत नाटक कर रहा है, बोला इसको निकाल दो। तो गुरु डर गया, बोला नहीं नहीं उसको निकालेगा दूसरा कॉन्ग्रीगेशन खड़ा कर देगा और दूसरा स्कूल चालू करेगा, मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। बोला फिर क्या करेंगे? बोले इसको मार डालो। बोला सोचो, गुरु अपने स्टूडेंट को मारने के लिए तैयार हो गया। बोला हम लोग साउथ में, हम लोग नॉर्थ तक जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, और गंगा में धक्का मार देंगे इसको, ये मर जाएगा। तो जब जा रहे थे तो फॉर्चुनेटली गोविंद जो कि इसका कजिन ब्रदर था वो भी साथ में था, और उसने वो बात सुन ली यादव प्रकाश और उसके कि ये रामानुजाचार्य को मारने वाले हैं। तो उसने अपने भाई को बोल दिया, बोला भाई तू भाग इधर से। तो यमुनाचार्य जो था वो भागने लगे साउथ के डायरेक्शन में, और अंधेरे के अंदर डर के वो भागने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि डरने की क्या बात है यार, जहाँ पे भगवान है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के। भागने लगे जंगल में, और जंगल में भागते भागते जब थक के गिर गए तो वहां पर एक हंटर पति पत्नी वो वहां पर आए, और उन्होंने रामानुजाचार्य को कहा कि तुमको कहाँ जाना है, वो उनको लेके गए। और फिर सुबह जब रामानुजाचार्य उठे तो देखा कि कुएं के ऊपर कुछ औरतें पानी भर रही है, और वो हंटर और उनकी पत्नी गायब हो गई, वहां से वो चले गए। तो उन्होंने फिर किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि अरे कांचीपुरम, कांचीपुर किधर है? तो उन्होंने कहा अरे तुमको क्या, तुम नए हो क्या इस गांव के अंदर, ये कांचीपुरी है, यहाँ पे हम लोग पानी भर रहे हैं करके। तो फिर उसको समझ में आया, और बाद में पता चला कि वो एक्चुअली नारायण और लक्ष्मी माता थी जो उनको लाके वहां पे छोड़ी। और वो जब वापिस गए तो कांतिमती रामानुजाचार्य को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बोले तुम तो 6 महीने के बाद आने वाला था, तब तो व्हाट्सअप भी नहीं था, बोटिम कॉल भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनको पता ही नहीं रहता था। तो देख के सरप्राइज हो गए। फिर रामानुजाचार्य ने पूरी स्टोरी बताई क्या हुआ, तो उसको बहुत दुख हुआ। और बाद में उसने बोला कि गोविंद वाला नहीं, गोविंद तो अभी कंटिन्यू कर रहा है, और गोविंद फिर वहां से वो भगवान शिव का भक्त बन गया। यानी वो एक अलग स्टोरी है जो मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको। तो फिर बाद में जब यादव प्रकाश वापस आया तो रामानुजाचार्य को जिंदा देख के एकदम वो घबरा गया, और उसको लगा कि ये कुछ भंडा फोड़ देगा मेरा। लेकिन रामानुजाचार्य ने वापस माफ कर दिया, बोला कि नहीं मैं कुछ उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता अभी। और फिर उन्होंने कहा अभी मैं तुम्हारे स्कूल भी नहीं आना चाहता, उसने छोड़ दिया। और फिर कांचीपूर्ण को उन्होंने कहा कि मैं आपसे पढ़ाई करना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कह रहे मैं तो एकदम बुद्धू, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं तो यादव प्रकाश जैसा। तो बोला कि नहीं, इतना सारा वेद पढ़ के अगर इतना अभिमान प्राइड अगर किसी में आता है हा? तो उसने वेदों का ज्ञान लिया ही नहीं है। लेकिन तुम जो है, यू आर द मोस्ट हम्बल पर्सन, सो यू हैव अंडरस्टूड द वेदा, सो आई वॉन्ट टू लर्न। और ऐसा करके बहुत घंटों घंटों तक उसके साथ में, कांचीपुरम के साथ में वो टाइम बिताते थे, कांचीपुरम को अपने घर पे बुलाते थे। एंड लाइक दिस एक्चुअली देयर इज सो मच टू टेल, बड़ा स्टोरी है। और अभी आई थिंक आई शुड स्टॉप बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड माई टाइम, 10 मिनट ज्यादा ही ले लिया, 15 मिनट मैंने, तो वी विल स्टॉप हियर। और आप इमेजिन करते रहो कि रामानुजाचार्य और कांचीपूर्ण, मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथियंतस्य माम नित्यम तुष्यंति चरमंति च, तो उनकी बातें चलती रहेगी और जब हमको समय मिलेगा वो बातें हम वापिस से अनफोल्ड करेंगे आपके सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रीपाद यमुनाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।